नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। शाजापुर से संवाददाता मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। शाजापुर पहुंचे राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जहां पर उन्होंने पत्रकार से चर्चा के दौरान शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिनाई। एक साल पूर्ण होने पर उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश कृषि में नंबर वन है। MSP मूल्य पर पिछले साल भी किसानों की उपज खरीदी गई, वहीं लगातार पंजाब को पछाड़कर मध्य प्रदेश नंबर वन पर बना हुआ है। साथ ही शाजापुर के लिए उन्होंने कहा कि शाजापुर के किसानों के लिए एक विशेष फसल प्याज की फसल को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे शाजापुर किसान संपन्न हो सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन को कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। वहीं पत्रकारों से जब बंगाल रैली पर सवाल पूछा तो वहां बसते हुए दिखाई दिए। वहीं स्कूल खोलने के लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश का बड़ा बयान दिया। अब ये यदि हम चर्चा करेंगे तो ये जो मौतें हो रही है धीरे धीरे, कुछ जगह कम हो रही है, कुछ जगह ज़्यादा। आज इंदौर में और भोपाल में आंकड़ा क्यों ज़्यादा आ रहा है और हमारे देश में महाराष्ट्र में आंकड़ा क्यों ज़्यादा आ रहा है? वो तो कांग्रेस की सरकार है, सरकारों से कोरोना का नहीं है ना, समाज से है। चुनाव नहीं है, चुनाव से विषय नहीं है। चुनाव तो जहाँ होगी संवैधानिक व्यवस्था है, उसकी तो चुनाव कराना ही पड़ेंगे। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना, ये सबको करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी हमने चुनाव अभी संपन्न कराया 28, इसलिए चुनाव का उससे बचते हुए ही हमको सब मार्ग निकालना पड़ता है लोकतंत्र की व्यवस्था। कोरोना संकट काल बढ़ रहा है, सख्ती भी चालू हो गई है, तो स्कूल की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन या कुछ नए मापदंड बनाए? अन्य अन्य मद है, उसकी फीस अलग होती है। अब हमने नए एक्ट में इनको अलग अलग करने का प्रावधान भी कर दिया है, और फिर भी यदि कहीं लगता है कि पिछले साल एक साल पहले इतनी फीस थी और उसको इतनी बढ़ा दी है, तो हमने हमारे DO को और सब जिले के हमारे कलेक्टर सबको उसके लिए वो किया है, अधिकृत किया है। यदि कोई अभिभावक उनके पास आकर शिकायत करेगा, फिर बढ़ने की शिकायत करेगा, तो इस एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का प्रावधान किया है। और ज़्यादा फीस यदि ट्यूशन फीस के अतिरिक्त लेंगे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का हमने कई जगहों पर कार्रवाई का आरम्भ किया। विधानसभा में जवाब दे करके हमने पहले किया था, उसमें कुछ और संशोधन करके कोई भी किसको फीस यदि कोई किसी कारण से बच्चा नहीं दे पाया तो बाद में वो अपने टुकड़े टुकड़े में बाद में जमा कर सकता है ट्यूशन फीस भी, लेकिन उसको परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते। उसको ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो ऑनलाइन से वंचित नहीं कर सकेंगे। इन विषय से